राजधानी देहरादून में खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन की टीम ने शहर के विभिन्न इलाकों में स्थित नामी खाद्य पदार्थों के आउटलेट और प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की और वहां से खाद्य सैंपल एकत्रित कर जांच के लिए लैब भेजे। आपको बता दें कि खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन प्रदेश भर में खाद्य सुरक्षा के मानकों के अनुपालन के लिए अभियान चला रही है। इसके तहत चार धाम यात्रा मार्ग समेत विभिन्न स्थानों पर होटल आउटलेट और शिक्षण संस्थानों के किचन से भी सैंपलों की जांच की जा रही है। साथ ही यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि आम जनता और तीर्थयात्रियों को स्वच्छ भोजन और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ मिल सके। इसके तहत ही खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन आयुक्त डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि खाद्य सुरक्षा के मानकों की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। समय से यहाँ से बच्चों से कुछ कंप्लेंट आई थी, उनके पेरेंट्स के थ्रू भी आई थी, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के स्टाफ है उनके पास आई थी। इसी क्रम में उन्होंने जो है हमारे जो देहरादून का फूड ड्रग डिपार्टमेंट का जो हमारा स्टाफ है उन्होंने 30 तारीख को आकर के यहाँ पे जाँच की थी, लेकिन उसके बावजूद भी 30 तारीख के बाद भी कल 5 तारीख को भी जो कुछ वीडियो जो है वायरल हुए थे जिसमें बच्चों को खाने में कुछ जो अनहाइजीनिक और कुछ ऐसी मिली हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। तो इसी क्रम में दोबारा से हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के देहरादून के डीओ और एफएसओ हैं हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर, उन्होंने दोबारा से यहाँ पे जांच की थी। इसी क्रम में जो है कल रात भी जो है कुछ और वीडियो वायरल हुए जिस संबंध में जो मेरा उच्च अधिकारियों से प्राप्त निर्देशों के क्रम में मैं अपनी पूरी टीम के साथ जो मेरे साथ इस समय मौजूद है उनके साथ यहाँ DIT आया था और DIT की जो उनकी मैस है उसकी हमने जाँच की। मौके पर तो हमें इस समय कुछ प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन कुछ शिकायतें बच्चों से हमने बात की, बच्चों ने शिकायतें की हैं, तो इस संबंध में हमने उनको निर्देश दिए हैं कि वो जो बच्चों की शिकायतें हैं उनको सॉल्व करें, बच्चों से बात करें और अगर इस तरीके से भविष्य में कोई और इस प्रकार की शिकायतें आई और इस तरीके से कोई कंप्लेन हमें मिलती है तो इनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे।